92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चहेते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। अर्थ में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ हमारे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आम कहानियां जिनमें छिपी होती है एक बड़ी सी सीख। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कुमार साहब के नए पड़ोसी अरोड़ा साहब जब से रहने आए हैं पूरी सोसाइटी में उनकी चर्चा हो रही है। अरोड़ा साहब की भारी आवाज और बातचीत का ऐसा ढंग है कि कोई भी इंप्रेस हो जाए। सभी तरफ यही बात हो रही है कि अरोड़ा साहब की पहुंच दिल्ली तक है। सरकारी डिपार्टमेंट से लेकर पुलिस, बिजनेसमैन, सबसे कनेक्शन है। जब मिसेस कुमार ने ये सब सुना तो कुमार साहब से कहा कि अरोड़ा साहब से हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए, हो सकता है बाद में काम आए। ये सुनकर कुमार साहब ने मिसेस कुमार को समझाया कि ऐसे लोगों से दूर रहें। पर मिसेस कुमार इतराते हुए बोली, मैंने कल अरोड़ा साहब और उनकी फैमिली को डिनर पर इनवाइट कर लिया है। ये सुनकर कुमार साहब अपसेट हो जाते हैं, लेकिन उस समय कुछ कहना जरूरी नहीं समझते। अक्सर जिंदगी में वही चीजें होती हैं जिनसे हम गुजरना नहीं चाहते। मिस्टर कुमार के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। क्या वो इस डिनर को रोक पाएंगे? जानिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल सुनिए धड़कन फिल्म का ये गाना, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, कुमार साहब के पड़ोस में मिस्टर अरोड़ा रहने आए हैं। उन्होंने पूरी सोसाइटी में कहा कि उनकी पहुंच दिल्ली तक है। उनकी बड़ी बड़ी बातों से काफी लोग इंप्रेस हुए। कुमार साहब के मना करने के बावजूद मिसेस कुमार ने अरोड़ा फैमिली से दोस्ती बढ़ाने के लिए उन्हें डिनर पर बुलाया। अब आगे, कुमार साहब आज ऑफिस से लौटे तो देखा कि पूरी अरोड़ा फैमिली उनके ड्राइंग रूम में जमी हुई है। कुमार साहब ने सबसे हाय हेलो की, फिर फ्रेश होकर बाहर आए और अरोड़ा साहब के साथ बैठे। अरोड़ा साहब ने ये बड़े बड़े किस्से बताने शुरू किए कि कैसे वो मंत्री जी के साथ लंच करते हैं, कैसे कमिश्नर साहब के घर आना जाना है, और तो और बोले कि बिल्डर ने उन्हें ये फ्लैट गिफ्ट किया है। मिसेस कुमार अरोड़ा फैमिली को इम्प्रेस करने में लगी थी। डिनर में कई क्विजींस बनाए थे, काफी आवभगत होने लगी सबकी। अगले दिन कुमार साहब ऑफिस गए तब मिसेस कुमार ने मिसेस अरोड़ा से फार्म हाउस की जमीन उन्हें सस्ते में दिलवाने की रिक्वेस्ट की। मिसेस अरोड़ा ने कहा, हाँ ये तो अरोड़ा जी के बाएं हाथ का काम है। फिर फोन करके अपने हस्बैंड से बात की और मिसेस कुमार से 3 लाख का चेक ले लिया। ये बात मिसेस कुमार ने कुमार साहब को नहीं बताई, सोचा कि उन्हें सरप्राइज देंगी। 2 हफ्ते तक मिसेस कुमार ने कोई पूछताछ नहीं की, भाई जमीन का मामला था। फिर एक दिन मिसेस अरोड़ा से पूछा तो वो चिढ़ गई और बोली, ऐसे कामों में वक्त लगता है मिसेस कुमार। मिसेस कुमार ने उन्हें मक्खनबाजी की और बात संभाली, पर अंदर ही अंदर उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं पैसा डूब तो नहीं गया। काफी सोचकर मिसेस कुमार ने फैसला किया कि वो अरोड़ा साहब से खुद बात करेंगी। शाम को जब अरोड़ा साहब पार्किंग में दिखे तो मिसेस कुमार ने उनसे बात की और अरोड़ा साहब ने कहा कि अगले दिन वो मिसेस कुमार के प्लॉट की डील फाइनल करेंगे। जब अरोड़ा साहब प्लॉट की डील करवाने गए तब क्या हुआ? क्या मिसेस कुमार के सपनों का ताला खुलने वाला था? जानिए एक ब्रेक के बाद। फिलहाल सुनिए डॉन फिल्म का ये गाना, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ आपके अपने चहेते शो अर्थ में, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, कुमार साहब के पड़ोस में मिस्टर अरोड़ा रहने के लिए आए हैं। उनके बड़े लोगों तक कनेक्शन है। इस चक्कर में मिसेस कुमार अरोड़ा फैमिली को डिनर पर बुलाती हैं और कुमार साहब से बिना बताए सस्ते में फार्म हाउस के प्लॉट की डील करवाने के लिए 3 लाख रुपए मिसेस अरोड़ा को दे देती हैं। अब आगे, अगली सुबह जब कुमार साहब ऑफिस के लिए निकले तो उसके बाद मिसेस कुमार अरोड़ा साहब के साथ फार्म हाउस की डील करने के लिए निकली। फार्म हाउस के प्लॉट की लोकेशन जानने के बाद अरोड़ा साहब एक 5-स्टार होटल में गए। वहां कुछ लोगों से मिले,
तब तक मिसेस कुमार लॉबी में रुकी थी। उनकी सांसें रुकी हुई थी, अंदर ही अंदर हजार सवाल उठ रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। तभी उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो कुमार साहब थे। मिसेस कुमार की हवाइयां उड़ गईं। कुमार साहब ने जब वजह पूछी तो डरते हुए मिसेस कुमार ने सारी कहानी बता दी। श्रेया, तुम्हें पता भी है तुम किस चक्कर में पड़ गई, अब 3 लाख तो भूल जाओ, कुमार साहब ने कहा। मिसेस कुमार की आंखें भर आईं। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। मिसेस कुमार और कुमार साहब चुपचाप खड़े थे कि तभी अरोड़ा साहब आए और कुमार साहब को देखकर चौंक गए। फिर झूठी हंसी के साथ बोले, बधाई हो कुमार, सब काम हो गया, बस 2 लाख रुपए और लगेंगे फिर प्लॉट आपका। कुमार साहब ने उनसे रेट, बायर और रजिस्ट्रेशन की पूछताछ की तो अरोड़ा साहब ने कहा, अरे कुमार साहब आप बस निश्चिंत हो जाइए, मैंने जबान दे दी मतलब काम हो गया। पर कुमार साहब नहीं माने और बोले कि पूरी जानकारी के बिना वो एक पैसा तक नहीं देंगे। ये सुनकर अरोड़ा साहब ने कहा कि ऐसे तो काम नहीं होगा। इस पर कुमार साहब ने डील कैंसिल करने की बात कही और कहा कि उन्हें पैसे वापस चाहिए। इस बात पे अरोड़ा साहब ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मिसेस कुमार और कुमार साहब दोनों शॉक्ड हो गए। आखिर ऐसा क्या कहा अरोड़ा साहब ने? क्या नोटों और नंबरों के खेल में मिस्टर कुमार भी फंस गए? ये जानने के लिए सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। फिलहाल सुनिए फिल्म 10 नंबरी का ये गाना, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कुमार साहब के नए पड़ोसी मिस्टर अरोड़ा के बड़े कनेक्शन हैं। मिसेस कुमार उनसे सस्ते में प्लॉट दिलवाने को कहती हैं और कुमार साहब को बिना बताए 3 लाख रुपए दे देती हैं। एक दिन अरोड़ा साहब उन्हें डील फाइनल करने ले जाते हैं। वहां पर कुमार साहब अचानक आ जाते हैं, तब मिसेस कुमार उन्हें सब बताती हैं। कुमार साहब डील कैंसिल करने को कहते हैं। अब आगे कुमार साहब की बात सुनकर अरोड़ा साहब कहते हैं, कुमार साहब डील अब कैंसिल करके कोई फायदा नहीं, पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ये बात तो आपकी बीवी जी को पहले ही बता दी गई थी, बाकी आप पुलिस कोर्ट जो करना हो कर लो। अरोड़ा साहब मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, ये कहकर मिसेस कुमार और कुमार साहब निकल गए। रस्ते में मिसेस कुमार सुबकती रहीं, उनके आंसू नहीं रुके। कुमार साहब ने कहा, श्रेया भूल जाओ उन पैसों को, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। जो चीज़ हमारी पहुंच से बाहर है उसे उल्टे सुलटे तरीकों से पाने का यही अंजाम होता है। वापस लौटकर कुमार साहब ने पुलिस कंप्लेन की और केस दर्ज किया। कुछ महीनों बाद अरोड़ा साहब विद फैमिली रातों रात गायब हो गए। बाद में पता चला कि मिसेस कुमार की तरह बहुत से लोगों का पैसा लेकर वो चंपत हो गए। इसके बाद मिसेस कुमार ने कान पकड़े कि वो कभी ऐसे बड़े कनेक्शन की बातें करने वाले लोगों के चक्कर में नहीं आएंगी। अपने सामर्थ्य से जो पा सके उसकी ही कोशिश करनी चाहिए। बड़ी पहुंच और उल्टे सीधे तरीकों से आखिर में नुकसान ही होता है। मिसेस कुमार ने ये बात 3 लाख के नुकसान के बाद सीखी। आप अभी से सीख लीजिए। जीवन की सीख वाला एक किस्सा लेकर कल फिर आऊंगा 92.7 बिग एफएम पर। मैं सौरभ राज जैन अर्थ में।